हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। सो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमारे ननद भाईसा जो है, भाईसा तो नहीं लगे, खैर मेरे जीजा जो है, वो आ चुके हैं और सुबह सुबह दे रहे हैं जलेबियों पे खावा बोल गया इन्होंने। यही वो औरत है गाइज जिसने मुझे मोटा किया है। कैसे? आपने देखा था कि मई में मैं पतली हो गई थी, मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया, तो जैसे ही आई इन्होंने खाना सिखाया, मैंने ऐसी डाइट तोड़वाई इन्होंने मेरी। खाना सिखा रही, खाना लिया था इन्होंने। जब आती ना तभी ऐसे ये वाली चीजें होती है हमारे। जलेबी, पापा प्याज की कचौरी और जलेबी लेके आया मैंने नाश्ते के लिए। और मैंने आपको बताया कि मैं रेस्ट मोड पे थी, बट आज फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि जा रहे हैं। सो फटाफट से आटा लगा दिया है, सब्जी हमने रखी हुई थी रात की, एक्स्ट्रा बनी थी, तो हमने कहा नाश्ता ही कर लेते हैं और फिर जीजा बोल रहे हैं उनको घूमना है, तो हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पता है इतने दिनों से इतना ठंडा मौसम था, आज है ना धूप आ गई है। सो हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ घूमने जाएँ, और मैं राखियाँ भी नहीं लेके आई थी, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी, सब आज ही सब कुछ इस व्लॉग में के अंदर करेंगे। सो गाइज, ये है हमारा नाश्ता, साथ में कड्डी वगैरह भी है, वो तो पसंद नहीं है, तो जलेबी और कचौरी मैंने जीजा के लिए सर्व कर दी है। और ये देखिए आप, सुबह सुबह दोनों ने ऐसे आतंक मचाया हुआ है घर में। और ये जो हमारे अंदर से मतलब स्टेयर्स है ना ऊपर जाने की, यहाँ पर आजकल चिया ना चढ़ जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। कई बार मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो एक दिन मैं बस ये देख रही चिया कहाँ गई, और चिया ना ऊपर बिल्कुल पहुँच गई थी। तो फिर पापा ने सुबह सुबह ये गेट लगवाया ताकि चिया ना जा पाए ऊपर। तो ये देखिए बस गेट को पकड़ के खड़ी है, और इसको बस ऐसे ऊपर जाना है। तो बच्चा जब चलने लग जाता है ना, तो उसको बस ये नई नई खुराफातें सोचते, अभी देख रही ऊपर कैसे जाऊँ मैं। हाँ जी गाइज, तो मैं अभी आ चुकी हूँ रूम में, और आज पूरा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यू नो आज 4 डे है, तो पूरी साफ़ सफाई, किचन फिर संभाल ली, सब कुछ करके नाश्ता खाना वगैरह, नाश्ता तो बाहर से आ गया था, बट आपको पता है टाइम लग जाता। तो अभी बज रहे हैं 3, और अभी मैं आई ऊपर, सुबह हेड वॉश करते तो उसका मैंने बांधे हुए थे बाल, तो अभी पूरे गीले ही हैं, तो जीजा से मैं थोड़ी ट्रिमिंग करवाऊँगी। और मेरे ना बाल है ना हाफ कर्ली हाफ स्ट्रेट है, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा लुक आता है, आप लोग बोलते हो तो। हाँ ले आओ, और अभी थोड़ा सा वो ट्रिम कर दो मेरे हेयर। साथ में ना जीजा ना इयरिंग्स लेके आए हैं मेरे लिए, मतलब खुद के लिए भी लाए थे, मेरे लिए भी लाए थे। सो उन्होंने मुझे फर्स्ट चॉइस दी है कि तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है तो वो रख ले। सो मैं अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो आप लोग मुझे हेल्प करना कौन से वाले मैं रखूँ पहन के, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। जिया तो यहाँ सो गई है, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई है, पता नहीं सो क्या हो रहा है थोड़ा सा। और देखिए आज गिर भी गई, तो गाल पर भी इसकी थोड़ी लग रही है। और एक वो देखिए आप यहाँ पर, आरू 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जिया जग जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इयर रिंग्स कैसे क्या हैं। आरू इधर आना। सो ये दो पेयर हैं इयर रिंग्स के, और जो जीजा लेके आए हैं अब उन, वो मुझे बोल रहे हैं जो तुझे अच्छे लगे तो वो रख ले, ऐसा कोई ओकेज़न नहीं है जिस टाइम ही लेके आए हैं। तो मैंने कुलदीप से भी पूछा, तो उनको भी फिर ये स्टोन जो वाला ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे पर्सनली ना बताऊँ तो वो जो फ्लावर वाला है ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस टाइप का, मुझे थोड़ा ऐसे पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो ये फ्लावर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। बट मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि स्टोन में है मेरे पास में, बट फिर मेरे को भी लग रहा था ये पता नहीं फ्लावर दिखेगा या नहीं दिखेगा क्लियरली। गाइस देखिए वीडियो ना कल तक आ जाएगा, तो आप बता देना जीजा के जाने से पहले। एक ये वाला मेरे को पर्सनली वाला अच्छा लगा फ्लावर वाला, और कुलदीप को ना ये वाला अच्छा लग रहा है। अब बताओ जीजा हाँ जी गाइस, तो अभी मैं थोड़े से ना मैंने इयर रिंग्स पसंद कर लिए, स्टोन वाला किया है, वही कुलदीप को अच्छा लग रहा था। मैं आपको पता है डेली मैं ऐसे ही पहनती हूँ, डेली क्या मैं मतलब वही पहनती हूँ। और फिर देखिए शूट वगैरह के चक्रों में मेरे शादी वाले जो इतने हैवी, उसकी वजह से मेरे कानों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मैं क्या करूँ आप बताइए, जो बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं मेरे शेदी वाले कान के, क्योंकि मेरी लोड जो है ना बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है। एंड क्या, हाँ थोड़ा सा ट्रिमिंग करवाएंगे अभी बालों की अभी हालत ऐसी हो रखी है, मुझे पता नहीं बाल कटवाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बचपन से नहीं पसंद, मैं बहुत ऐसे सालों में कोई ट्रिमिंग करवाती हूँ। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बाहर, राखी भी लेके आनी है, क्योंकि सलोनी की भी मैं इस बार बांधूंगी, सो राखी भी लेके आनी है। मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी जीजा को राखी पे, हम लोग है ना मतलब एक तो शगुन देते ही हैं जो देते हैं, और उसके साथ में मैं हमेशा एक प्योर की ड्रेस भी करवाती हूँ, तो जीजा को वो भी पसंद की दिलवा दूंगी। उसके साथ में जीजा ने पहले आते ही बोल दिया था कि
मैं कहीं घूम के आऊँगी, मुझे घूम के आना है। सो हमने कहा चलो ठीक है। हमने कल रात को सोचा था कि आज हम सुबह जाएंगे नाहरगढ़ वगैरह ऐसे, बट है ना सुबह नहीं उठ पाए क्योंकि चिया पूरी रात जग रही थी, क्योंकि कल उसने रात को अच्छे से खाना नहीं खाया तो फिर वो पूरी रात जग रही थी तो नहीं हो पाया। और फिर मेरे को भी आज किचन विचन करनी थी, तो अब भी जीजा बोल रहा चलो चलो, तो हम लोग फिर अभी देख रहे हैं थोड़ा GT WTP बच्चों को कुछ ऐसे, और शॉपिंग मोस्टली तो वो सब करके आएंगे। मैं देख रही हूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। ये कॉट सेट आपने लास्ट व्लॉग में देखा था ना मेरे पास, मैं आया था उमरी उप करके कलेक्शन, बहुत ही अमेजिंग से कॉट सेट मुझे इनके लगते हैं। मैं एक ऑलरेडी इनका पहनती हूँ और फैब्रिक बहुत अच्छा है, अच्छी खासी रिच क्वालिटी में है, अफोर्डेबल प्राइस में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइज, कलर वगैरह बहुत प्यारा है। तो मैं सोच रही हूँ फिर मैं यही वेयर कर लेती हूँ। मैंने अभी वाला कॉट सेट पहन लिया है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, आप मुझे देख सकें मार्केट में सही भी लगेगा, तो मैं इनका ये सही है। और ये अपनी प्रिंसेस को रेडी कर रहे हैं, ये देखिए आप, अरे वाह मेरा चांद, अरे अरे मैं रेडी हो चुकी हूँ चियो को। हमने ये डैनी वाली फ्रॉक पहनाई, आपको याद होगी जब चिया बहुत छोटी थी तब अंकित लेकर आया था, एंड को देखिए वन ऑफ फेवरेट ड्रेसेस की है, इसे लगती भी बहुत क्यूट है। सो मैंने इसको ये पहना दिया, बस डायपर वेयर करवाना है और फिर उसके बाद हम जाएंगे घूमे। इसको ना कितना अच्छा लग रहा है सनग्लासेस, एंड इसको बार बार यहाँ लगा रही है, इसको पता है। एंड मैं यहाँ पर इसको डायपर जो यूज़ कर रही हूँ ना, लवला ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, मैं लवला ब्रांड के ही यूज़ करती हूँ शुरू से डायपर, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं। अब तो मैंने इसको ये वाला डायपर भी वेयर करवाया है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट है और इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी, अप टू 12 आवर तक प्रोटेक्शन देता है आपके बेबी को। सो इसकी काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी है, इसका जो अपर और जो है ना टॉप बॉटम और जो इनर बॉटम इनर जो लेयर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ है, बेबी को रैशेस नहीं होता क्योंकि एंटी एलोवेरा रैशेस के साथ में आते हैं। तो अभी मैं ये वाला वेयर करवा रही हूँ उसको। एंड हाँ सबसे अच्छी चीज़ें बच्चे की एज और वेट के अकॉर्डिंग आते हैं। ये लवला ब्रांड के सुप्रीम डायपर पैंट्स हैं, ये डायपर पैंट्स 5 लेयर सुपर लाइट कोर के साथ आते हैं जो कि बेबी को अच्छे स्लिपन कंफर्ट देता है। इसमें आपको लिक लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है जो इंश्योर करता है 0 लीकेज थ्रू थाई एरिया एंड वेस्ट एरिया। इसकी अब्जॉर्प्शन है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेबी को अप टू 12 आवर तक की प्रोटेक्शन देता है। इसमें रैशेज होने का डर भी बहुत ही कम है क्योंकि ये एंटी रैश एलोवेरा लोशन के साथ में आता है। ये देखिए इसका इलास्टिक भी बहुत ही कम्फर्ट है, बेबी को फ्रंट एंड बैक साइड आपको इसमें मिल जाएगा। इसके मटेरियल की बात करें ना तो टॉप शीट एंड बैक शीट जो है ना सॉफ्ट कॉटन से बनी गई है जो बच्चों को बहुत ही कम्फर्ट नेस देती है और बिल्कुल बच्चों को रैशेज होने का डर नहीं रहता, उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होता। इसमें आपको 10 मिलियन ब्रिथेबिलिटी पोर्स मिल जाते हैं जो बेबी को सुपर ब्रिथेबिलिटी एंड कम्फर्टनेस देते हैं। इसमें आपको वेट इंडिकेटर मिलता है जो कि फुल होते ही टर्न हो जाता है ब्लू कलर के अंदर। आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ जी गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं फटाफट से, लेट हो रहा था। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कोई सूट वगैरह देखने जीजा के लिए। अरविंद को कॉल कर रहे हैं कि भाई वो अगर उसकी शॉप खुली होगी ना तो वहीं जाएंगे, अच्छा कलेक्शन रखता है। और ये देखिए दोनों बच्चियां, चियो चियो ये मैंने मैं देखी एक और मैं देखी लग गया मेरे बच्चा के अंदर का। तो सबसे पहले हम कॉस्मेटिक शॉप पे आए हैं क्योंकि बच्चियों के लिए हमें चूड़ियाँ चाहिए कल पहनाने के लिए, जो ड्रेस मैंने मंगवाई उस पर। इधर आना ना, पिंक पिंक इधर आना ना। फिर ये हम आ गए थे झोटड़ में शॉप है, यहाँ पर छोटी बच्चियों की भी चूड़ियाँ मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मतलब काफ़ी अच्छा कलेक्शन था चूड़े वगैरह का, उसके बाद में हमने बच्चियों की चूड़ियाँ लिखवाई तो ये इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे ये देखिए आप, बट ये सारे बड़े साइज़ थे, लाइक 3 साल बच्चे के या 2-3 साल तक के बच्चे के लिए मतलब ऐसे स्टार्ट था। तो मैंने सोचा पहले कि कलरफुल वाला ले लेती हूँ, बट ये फिर बड़े थे, आरू की भी बड़ी थी, चिया के तो फिर वैसे बड़ी होनी थी क्योंकि चिया तो वैसे पतली सी है। तो ये देखिए कलर काफ़ी सारे थे, आप देख सकते हो ना हर कलर यहाँ मिल जाएगा। ये सब था, मैंने सोचा था अलग अलग कलर्स में 4-5 लेके आ जाऊंगी, बट साइज़ वाला इशू था। तो फिर हमने सोचा आरू को आर्चिया को तो मैं गाड़ी में बैठा के आ गई थी, एक वाइट कलर में भी चाहिए थी, बट ये आरू की ही ऑलरेडी बड़ी थी मतलब ये 2-3 साल तक की बच्चियों के हिसाब से थी। फिर हमने क्लिप्स वगैरह हेयर क्लिप्स ये सब लेने स्टार्ट किए, 3 सेट हमने चूड़ियों के ले लिए थे और ये कुछ क्लिप्स वगैरह ली थी बच्चियों के लिए, ये इस तरीके से जो आते हैं ना छोटे छोटे से बीड्स ही लिए थे। सो सबसे पहले हम लोग आ गए थे हवा महल, तो जीजा को हमने ये दिखाया और गाड़ी में से ही दिखाया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, सो हम नहीं उतरे, बस बाहर से ऐसे ही थोड़ा सा लिया। चिया, चिया,
मम्मा को कैसे देख रहा था वो। हाँ जी गाइस, तो हम लोग पहले आए हैं, सबसे पहले हमने विजिट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले आए जल महल। देखा मैं वैसे तो हमारा, लेकिन अब क्या कहीं घूमे इस मौसम में, आज ठंडा भी नहीं है मौसम, तो हमने कहा चलो ठीक है ऐसे थोड़ा घूम फिर के आते हैं। ये दस का ये बीस की है, कौन सी लू। एक साथ डाल, 10-15 डाल एक साथ। और ये हमने ना दोनों बहनों को फिर यहाँ पर इस तरीके से ना, गाड़ियाँ थी तो आप राइड वगैरह करवा सकते हो ना बच्चों के लिए, बाइक वगैरह, तो हमने दोनों को बैठा दिया था। चू देखिए मतलब ऐसे डरी हुई सी लग रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है, ऐसे चुपचाप बैठ जाती है ना, मेरे को इतनी ऐसे दया सी आती है ना। सो ये देखिए दोनों बहनें बैठी थी, हम जस्ट अपना वीडियो वगैरह बना रहे थे और ये अपने आप ही रिमोट वगैरह से चलाते हैं। आई थिंक 50 रुपीज़ पर गाड़ी ऐसे कुछ था, मे बी इतना ही मुझे याद है, हाँ 50 रुपीज़ ही था शायद। सो इसमें दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। मामू मैं भी बैठूंगा बिन बड़ा की। हाँ जी गाइस, तो हम आ चुके हैं अभी जीटी बाजार में और ऐसा मैंने आपको बताया था कुछ हमारा घूमने का था नहीं, मतलब हमने सोचा यहीं आसपास ही चले जाएंगे, तो हम लोग गए थे जल महल, वहाँ देखा, फिर इधर आए, थोड़ा सा कुछ खाया पिया और अभी जीटी बाज़ार के अंदर आए। एक बार जीजा ने, मैंने यहाँ से मोचड़ियाँ ली थी तो वो लेने, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, 2 साल बाद में आई थी। तो उसके बाद में हम आ गए थे अरविंद की शॉप पे, M&D करके है और खातीपुरा रोड पे है, चीनू जूस सेंटर के पास में। काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखता है, मतलब इसकी है ना चॉइस काफ़ी यूनिक है। तो ये सूट है ना जीजा का यहाँ से सिलवाया था, 3 गुने वाला राखी पे पहनने के लिए, जो कि देखिए बहुत ही प्यारा सिलवाया है अरविंद। सो ये 2 सूट सिलवाए थे, एक और अभी लेना था अरविंद से तो हमने ये भी लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर और भी सूट देखे हमने, जीजा को राखी पे मैं दूंगी ना उस हिसाब से, मैंने कहा जीजा आप अपनी पसंद से ही ले लो जो आपको अच्छा लगे। तो ये है ना नया स्टॉक आया था अरविंद के शॉप पे, तो वही हमें अरविंद दिखा रहा था। एंड ये इस तरीके के फैब्रिक में था, आप इस पर कुछ भी अपने हिसाब से ओढ़ना कस्टमाइज करवा सकते हो। तो काफ़ी इसमें कलर वगैरह भी थे, फैब्रिक भी काफ़ी अलग अलग था, तो यही सब देखा। और रिसेंटली राखी के लिए देखिए कि ये वाला लेके आए थे, इसमें आपको जितने भी बीच में फ्लावर दिख रहे हैं ना, इनको कट करके और ओढ़ने के ऊपर लगाए जाएंगे, तो इससे ये पूरा एक पोशाक लुक आपका बन जाएगा, हैवी लुक बन जाएगा। तो ये मेरे को वही अरविंद अभी समझा रहा था, क्योंकि वॉइस बहुत धीरे अरविंद बोलता है ना वैसे, मतलब तो उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं फिर वॉइस ओवर करके आपको समझाती हूँ। तो ये इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आएंगे, अभी एक कलर ये है सैम्पल के तौर पर, और बाकी इसमें काफ़ी सारे कलर्स वगैरह आएंगे, तो पूरा हैवी पोशाक लुक देगा और
उसके बाद में ये वाली ड्रेसेस जो मैं आपको दिखा रही थी ना, तो ये बनारसी फैब्रिक में भी थी, उस टाइप के काफ़ी सारे पैटर्न्स थे इसमें, आप कलर देख सकते हो। तो अरविंद, मैंने अभी रिसेंटली जो इवेंट में दो ड्रेसेस पहनी है ना, वो दोनों ड्रेसेस जो है अरविंद की शॉप से है, तो काफ़ी मतलब अच्छी यूनिक डिज़ाइंस होती है, इसलिए जीजा को भी पसंद आता है। लास्ट दो बार से मैं जीजा को यहीं से ड्रेसेस दिलाती हूँ जब भी जीजा आते हैं। तो उसके बाद में हम लोग घर आए थे, घर आते फटाफट से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, मतलब हम लोग सब्जी वगैरह बना के आटा वाटा लगा के गए थे, तो आके फटाफट से रोटियां सेक ली थी, और इतना ज़्यादा थक गए थे ना, क्योंकि तीन तीन बच्चे हो गए थे साथ में, अब गोदी लेने वाले दो दो हो गए थे, तो कभी मतलब कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था, सो ये वाली हालत हो रही थी, और ऊपर से मैंने तो हील्स और पहन ली थी, तो पैरों में ऐसे जवाब दे रहे थे। तो बस हम यही प्लानिंग कर रहे थे कल कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, तो बस फटाफट से रोटियाँ वगैरह बना के, और हम प्लानिंग कर रहे थे कि पिज़्ज़ा खाएंगे अभी, और अधी जो है ना उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो सो गया था, लेकिन हाँ हम लोग जैसे पाव भाजी वगैरह खाए थे, लेकिन फिर उस टाइम तक सो गया था, और साथ में मैं जीजा हम बातें करे जा रहे थे कि बच्चियों को भी क्या खिला दें क्या नहीं, क्योंकि पूरे दिन में बाहर तो फिर ऐसा ही थोड़ा बहुत यही सब खाया था जो खाते ही नहीं है, मतलब पाव भाजी वगैरह ये सब चीज़ें। तो सो आज का दिन ठीक है, ठीक था, लेकिन हमने सोचा लगता है कि फिर जी टीचर की गलती कर दी, वहाँ हमने कुछ भी इन्जॉय भी नहीं किया, और हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो गया। जैसे हम मार्केट में अपना टाइम देते हैं ना, तो हमारी शॉपिंग हो जाती है, जैसे राखी की अलग अच्छे से और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ जी गाइस, इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।